वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, जहां पर बीके नारायण बने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं बीके नारायण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, बीके नारायण अब अध्यक्ष बन गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं बीके नारायण। पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। हाईकोर्ट के भी यहां पर हाईकोर्ट में भी सेवानिवृत्त रह चुके हैं ये, जिसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद अब बीके नारायण राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, आनंदीबेन पटेल ने जिस तरह से आदेश जारी किए हैं, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके बीके नारायण अब अध्यक्ष बन चुके हैं। पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे और अब तकरीबन एक साल बाद अब वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बीके नारायण चुने गए हैं। यूपी से ये बड़ी खबर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके बारे में जानकारी दी है। आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं कि बीके नारायण को अब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश वो रह चुके हैं और कई बार सुर्खियों में रहे हैं। काफी बेहतर काम उन्होंने अपने सेवा के दौरान किए। पिछले साल जुलाई में वो सेवानिवृत्त हुए थे और एक साल बाद अब उनको ये नया पद मिला है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।